नमस्कार। अब हम जिस विषय का अध्ययन करेंगे वो है किसी भी शिक्षण में जो हम TLM यूज़ करते हैं या हम जो सहायक सामग्री यूज़ करते हैं उसका क्या महत्व है। तो ये पॉइंट आपके न सिर्फ गणित शिक्षण में, न सिर्फ विज्ञान शिक्षण में, न सिर्फ सोशल साइंस में और न सिर्फ EVS में काम करेगा, इवन शिक्षण के पोर्शन में चाहे वो कहीं का हो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले ये जानने की आवश्यकता है कि ये जो आप TLM यूज़ करते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई या आप क्यों इसको यूज़ करते हैं। तो हम एक टर्म पढ़ते हैं शिक्षा में तकनीकी। ये टर्म यहाँ से आया हुआ है। क्यों हम दो प्रकार की तकनीकी पढ़ते हैं, एक शिक्षा की तकनीकी और एक शिक्षा में तकनीकी। तो शिक्षा की तकनीकी अर्थात शिक्षा कैसे दी जाए, किस टेक्निक से दी जाए, ये। और शिक्षा में तकनीकी का समावेशन जब हम करते हैं तो वो शिक्षा में तकनीकी कहलाता है। अब हम देखेंगे शिक्षा की जो शिक्षा में तकनीकी हम यूज़ करते हैं उसका क्या इफ़ेक्ट होता है। तो जानते हैं, जैसे आपको किसी से बात करनी है तो आप उसके घर जाइए, उसको बुलाइए, बैठिए, बात करिए, एक ये मेथड है। दूसरा मेथड क्या है कि आप उसको कॉल करिए और उससे बात करिए, और अगर आप एनर्जी नहीं लॉस करना चाहते आप उसको टेक्स्ट करिए, बात ख़त्म, ठीक। तो आप ऐसे भी मेथड यूज़ कर सकते हैं जिसमें बिना कॉस्ट के इवन फ्री टेक्स्टिंग आप करिए और उससे बात हो जाएगी। तो बात तो उससे ही हुई लेकिन कई तरीकों से हुई। वो तरीके क्यों यूज़ किए गए कि आपका पैसा कम लगे, आपका श्रम कम लगे, आपका समय कम लगे। शिक्षा में भी टेक्नोलॉजी इसीलिए यूज़ की जाती है कि शिक्षा क्या हो, इफ़ेक्टिव, क्यों, प्रभावशाली। शिक्षा क्या हो, जो आपका शिक्षण हो रहा है वो प्रभावशाली हो। दूसरा क्या हो, उपयोगी हो, अर्थात जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारे लिए यूज़फुल होंगी। तीसरा आपका जो टर्म है श्रम, समय और आपका धन, इसकी क्या हो, बचत हो, ठीक है। ये भी क्या है, आपके जो शिक्षा में तकनीकी का रोल है उसको ये निर्धारित करता है कि समय, श्रम और धन की बचत हो। साथ ही साथ हम तकनीकी इसलिए भी यूज़ करते हैं कि जो आप तकनीकी यूज़ कर रहे हैं वो आपके इंटरेस्ट लेवल को बढ़ाए रखेगी। जैसे जनरली मैसेज करते थे तो फिर उसमें एक आपका व्हाट्सएप पर सिस्टम आया कि आप वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, फ़ोटोज़ भेज सकते हैं, फिर इमोजिस जो आपके मुंह बना के जो आप भेजते रहते हैं तो वो सारी चीज़ें भेज सकते हैं। तो क्यों भेजते हैं आप, डायरेक्ट टेक्स्ट क्यों नहीं करते, इंटरेस्ट लेवल बढ़ाने के लिए। अर्थात बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शिक्षा में अगर हम यूज़ करें तो वो शिक्षा को बहुत ही इंटरेस्टिंग बना सकती है, यूज़फुल बना सकती है, इफ़ेक्टिव बना सकती है और हमारे हर चीज़ के लॉस को बचा के अच्छे और सही समय में किसकी प्राप्ति कराएगी, निश्चित उद्देश्यों की। किसकी प्राप्ति कराएगी, निश्चित उद्देश्यों की। इसका मापन कैसे करेंगे कि प्राप्त हुई कि नहीं, आपके उद्देश्य प्राप्त हुए कि नहीं, वो मूल्यांकन करके हम करें। अर्थात जो तकनीकी है उसका बहुत ज़्यादा रोल आपके शिक्षा में होता है। लेकिन ऐसी भी कई रिसर्चेस हुई कि लगातार एक ही तकनीकी आप यूज़ कर रहे तो क्या वो उतना इफ़ेक्टिव रहेगा, तो नहीं, आपको क्या करना चाहिए, हमेशा चेंज करना चाहिए। इसलिए हम कभी एक तकनीकी नहीं पढ़ाते कि आप प्रोजेक्टर यूज़ करिए या लेक्चर यूज़ करिए। ये भी शिक्षण की तकनीकी है ना, लेक्चर, व्याख्यान, प्रश्न करना, प्रश्न तकनीकी, जो आपका क्वेश्चनिंग जो टेक्निक होती है, तो ये सारे भी तकनीकी है शिक्षा में, शिक्षण। तो हम बहुत सारे प्रकार की तकनीकी यूज़ करते हैं लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इसमें यूज़ करते हैं तो भी क्या माना जाता है कि बहुत इफ़ेक्टिव। बहुत सारे रिसर्चेज इस पर हो चुके हैं, आप जानते हैं, उसी से संबंधित हमारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है जो शिक्षण अधिगम सामग्री के नाम से जिसे हम जानते हैं, जिसमें दो प्रकार की आपकी सामग्रियाँ होती हैं। एक आपका होता है मुख्य शिक्षण सामग्री और दूसरा क्या, सहायक शिक्षण सामग्री। किसकी बात कर रहे हैं, TLM की, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो अब हम ये जानेंगे कि इसका क्या रोल है आपके शिक्षा में या शिक्षण में। तो यही रोल पूछने के लिए अक्सर ही ये देखा जाता है कि
प्रश्न यहाँ से आते हैं लेकिन इनडायरेक्ट आते हैं, जैसे गणित शिक्षण में पूछता है, विज्ञान शिक्षण में भी पूछता है, आपके जो ईवीएस है उसमें भी पूछता है, जैसे फर्स्ट सेकंड पेपर में तो कंबाइंड, भाषा शिक्षण में पूछता है। तो यहाँ हर कोई भी शिक्षण का क्षेत्र हो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आपका होता है, लेकिन डायरेक्टली कहीं नहीं लिखा हुआ है कि शिक्षा में तकनीकी आपको पढ़ना है। तो जो TLM होता है वो बहुत सारे रोल प्ले करता है, शिक्षा को ज़्यादा बोधगम्य बनाए, लर्निंग एक्सपीरियंस ज़्यादा हो, मतलब अधिगम जो आपका अनुभव है वो ज़्यादा हो, तो इसलिए हम TLM यूज़ करते हैं। तो जब भी बात करेंगे TLM की तो हम देखते हैं जब तकनीकी आपके आती है तो उसके तीन पार्ट, आपने कंप्यूटर पढ़ा हुआ है तो क्या फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, तीन स्टेप होते हैं। देखिए इस TLM में भी वही हम फॉलो करेंगे जो तकनीकी में फॉलो करते हैं। जो शिक्षा तकनीकी जो आपका फर्स्ट होता है शैक्षिक तकनीकी, उसमें क्या होता है आपका कठोर उपागम या हार्डवेयर, दूसरे में क्या होता है मृदु उपागम या सॉफ्टवेयर, तीसरा क्या होता है प्रणाली। अर्थात जो कंपोनेंट देखे TLM के भी, तो ये तीन प्रकार, तीन भागों में बांट सकते हैं। जो TLM का ऐसा पार्ट जो जिसे हम छू सकते हैं, अपने इंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, वो आपका कठोर उपागम है, जैसे ये ब्लैक बोर्ड, ठीक, या सॉरी ये व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड आपका क्या है यहाँ पे कठोर उपागम। दूसरा जो पॉइंट है आपका मृदु उपागम, तो मृदु उपागम क्या, इस ब्लैक बोर्ड पे जो हम इंक का कार्य कर रहे हैं, ये इंक जो कार्य कर रहा है, क्योंकि इसमें जो इंक है वो भी आप छू सकते हैं, ये भी छू सकते हैं, तो ये तो आपका हार्डवेयर हो गया ना, लेकिन ये जो इंक का कार्य है वो क्या हो गया आपका सॉफ्टवेयर। अगर ये वर्क ना करे सही जगह और पूरे हाथ में पोता जाए तो क्या आपके ब्लैक बोर्ड पर आप उसको एज अ टेक्निक यूज़ कर सकते, नहीं कर सकते ना, टेक्नोलॉजी की तरह नहीं यूज़ कर सकते। तो यहाँ क्या, ये जो इंक का कार्य है वो क्या है सॉफ्टवेयर, और ठीक है इंक का कार्य भी है, इंक भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन आप जब तक फंक्शनिंग नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं, तब तक आपका कोई चीज़ यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं होगा। तो ये होता है प्रणाली, प्रणाली में क्या करते हैं इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट और इन्वायरमेंट, अर्थात इंक को मैंने यहाँ इनपुट किया, आउटपुट क्या मिला आपको ए दिखा, तो इनपुट किया प्रोसेसिंग हुआ आउटपुट मिला, और एक इन्वायरमेंट में मिला, एक वातावरण में मिला, तो वो क्या क्या ये पूरा प्रणाली के अंतर्गत आ गया। तो ये तो हुआ TLM का कंपोनेंट जो जिससे TLM कार्य करता है, तो ये वही कंपोनेंट है जो आपका शिक्षा में तकनीकी के अंतर्गत आता है। अब हम देखेंगे जो TLM यूज़ करते हैं उस कितने प्रकार से यूज़ करते हैं। तो इस TLM को हम तीन मुख्य भागों में बांट सकते हैं, एक क्या दृश्य, दूसरा क्या है श्रव्य, और तीसरा क्या है दृश्य शब्द, ऐसे भी कर सकते हैं, अर्थात जिस जो सिर्फ देखे जैसे ब्लैक बोर्ड, तो दृश्य जो सुनाई दे जैसे टेप रिकॉर्डर, श्रव्य और जो दिखाई सुनाई दोनों दे जैसे वीडियोस, जैसे आप मुझे देख रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया दृश्य शब्द। और कौन से आपके TLM के पार्ट हो सकते हैं तो देखेंगे, तो जनरली क्या होता है, एक होता है मौखिक, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे सुना गया श्रव्य, फिर क्या हो गया दृश्य, फिर क्या हो गया दृश्य प्लस प्रोजेक्टर, ठीक है, फिर क्या दृश्य श्रव्य, ठीक है, इसके अलावा क्या होगा दृश्य श्रव्य के अलावा, आप एडगर डेल का अगर आपने पढ़ा होगा जो अनुभव शंकु है, तो फिर आपकी कई चीज़ें आती हैं, भ्रमण आता है, फिर आप जो आपके सारी प्रदर्शनी लगती हैं, फिर जो आप प्रदर्शन विधि से सीखते थे, प्रदर्शनी मतलब एग्जीबिशन जो लगता है, प्रदर्शन डिमॉन्स्ट्रेशन से सीखते हैं, और सबसे ज़्यादा अगर एक्सपीरियंस कोई देता है तो क्या होता है डायरेक्ट एक्सपीरियंस, क्या डायरेक्ट एक्सपीरियंस, जो डायरेक्ट आपको क्या दे अनुभव दे, जैसे डायरेक्ट बच्चा कोई कार्य करे तो उसको क्या मिलेगा सबसे ज़्यादा अनुभव मिलता है, ये एडगर डेल का अनुभव शंकु है। हमें बहुत विस्तृत रूप से इस पर नहीं चर्चा करनी क्योंकि इतनी सारी चीज़ें नहीं पूछी जाती, लेकिन हम जनरली जान रहे हैं सिर्फ TLM के बारे में कि TLM क्या है, शिक्षा में इसकी क्या उपयोगिता है। अगर आप चाहेंगे तो एडगर डेल पर मैं अलग से वीडियोज़ बनाऊँगी, अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक को डाल दीजिएगा। अभी आपने बोला था कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन पर बनाना है, तो मैं जल्दी ही उसको बना के आपको वीडियो दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए
कि इस प्रकार से जैसे सबसे कम, जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ, व्याख्यान दे रही हूँ, तो सबसे कम आपको एक्सपीरियंस होता है सुनते हैं टेप रिकॉर्डर से, जो मतलब आप यूज़ करते हैं वो उससे ज़्यादा होता है। फिर देखते हैं जैसे ब्लैक बोर्ड है, दृश्य है, तो उससे भी ज़्यादा होता है। फिर दृश्य श्रव्य आपका हो गया, फिर प्रोजेक्टर यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है, अनुभव एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है कि डायरेक्ट कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो आप ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, एज अ TLM यूज़ करते हैं। तो ये TLM में ही ये सारी चीज़ें आती हैं, क्योंकि ये आप टेक्नोलॉजी तो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये भी टेक्नोलॉजी के भी काइंड होंगे कि जो चीज़ें आपकी हैं वो इसी किसी कैटेगरी में होंगी। तो कोई TLM आपका जो होगा मौखिक रूप से जुड़ा होगा, कोई TLM आपका श्रव्य से जुड़ा होगा, कोई दृश्य से जैसे ब्लैक बोर्ड हुआ, फिर कोई TLM आप यूज़ करते हैं प्रोजेक्टर आपका और बाकी सारी चीज़ें। तो TLM अगर हम देखें तो हम यूज़ करके क्या करते हैं, किसी भी शिक्षण को इफ़ेक्टिव बनाते हैं, प्रभावशाली बनाते हैं, या फिर उसमें बच्चों की रुचि लगातार बनाए रखते हैं, या जो उनको एक्सपीरियंस होता है अधिगम का, जो अधिगम का अनुभव करते हैं वो उनका बना रहता है। तो ये मुख्य रूप से TLM की भूमिका है आपके सामने जो मैंने प्रस्तुत की है। जनरली हम ये भी जान जाएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं शिक्षण के दौरान। तो ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड आप सब जानते हैं, ठीक है, TLM का नहीं बात कर रही, मतलब ये सारी सामग्री आप यूज़ करते हैं ना। तो ब्लैक बोर्ड में भी ब्लैक बोर्ड हुआ आपका, अब तो वाइट बोर्ड आ गया है, लपेट पट्टा आपका थोड़ा सा रिमाइंड रखिएगा, जो आप लपेट के ले जाते हैं और बगल में आपका कील रहता है उसमें गाड़ देते हैं। इसके अलावा जो आप देखते हैं अन्य चीज़ें, मॉडल यूज़ करते हैं, तो ये भी क्या है, आपकी शिक्षण अधिगम सामग्री होती है। तो मॉडल दो प्रकार के होते हैं, एक क्या होता है स्थिर और एक क्या होता है चलित, ठीक है, स्थिर और चलित। तो स्थिर क्या, जैसे आप अभी देखिए चाहे 10 मिनट बाद देखिए, वो वैसे का वैसा हो, स्टैचू, मतलब क्या, ऐसा मॉडल जो सिर्फ देखें आप, देख के बस अनुभव करेंगे कैसा ये दिखता है, जैसे पहाड़ का मॉडल बना दिया, पहाड़ ला के खड़ा कर दिया छोटे सा बना के। तो इसका यूज़ क्यों होता है आप जानते हैं, जैसे हर चीज़ हम बच्चे को ले जा के नहीं दिखा सकते। अब आपको बनाना है नवग्रह हम लोग के पूजा में होते हैं, मतलब 8 प्लैनेट बनाने हैं, सूर्य बनाना है, तो यहाँ पे आपको वो दिखाना है, तो आप वहाँ पे बच्चों को नहीं दिखा सकते ना कौन सा किस कलर का है या क्या, तो वो आप बता देते हैं। लेकिन अगर वो मॉडल बनाते हैं, जैसे कि आप साइकिल का जो तीली है उसको लेके गोला गोला करके एक एक ग्रह सीक्वेंस वाइज लगाते हैं, बॉल छोटी बड़ी साइज़ की कलर कर देते हैं, जैसे रेड कर दिया आपने मंगल को और पृथ्वी को नीला कर दिया, तो इस प्रकार से आप मॉडल बनाते हैं। अगर वो मॉडल समय के साथ स्थिर रहे तो उस मॉडल को स्थिर मॉडल कहते हैं। लेकिन सपोज़ दैट आपको वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम बनाना है, जो जल संचयन बनाते हैं, तो घर बनाना है, फिर घर के ऊपर आपने एक डिब्बा रखा, ठीक है, उसमें पानी आपका, मतलब बारिश होगी ऊपर बादल बनाए, और ऐसा बनाएं कि बादल से पानी गिर रहे हैं, फिर यहाँ से पाइप लगाई आपने, अच्छा साफ पानी फिल्टर करके घर में पीने योग्य और नहीं साफ है, बगल में खेत जो गार्डन लगाया उसमें पानी जा रहा है, और आप यूज़ दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से वाटर हार्वेस्टिंग होती है। तो अगर वो लगातार चलता रहे तो वो मॉडल आपका चलित मॉडल कहलाएगा, है ना। तो ये मॉडल के भी आपके प्रकार होते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आप यूज़ करते हैं, जैसे चार्ट हुआ है, ग्राफ हुआ, बहुत सारी चीज़ें आप अपने शिक्षण अधिगम में यूज़ करते हैं। कंप्यूटर भी एज अ TLM कभी कभी यूज़ है। वैसे तो कंप्यूटर अगर सिर्फ उसी पर अधिगम करा रहे हैं तो उसको TLM नहीं कहेंगे, लेकिन जिसे आपने यूज़ कर लिया तो हाँ, साइड में कोई चीज़ जो आपके शिक्षण को सहायता प्रदान करे, रुचि संवर्धन करे, तो वो सारे TLM के अंतर्गत आ जाएंगे। इसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ें आपकी हैं जो TLM में आ जाएंगी, अर्थात टीचिंग और लर्निंग के दौरान जो भी आप सामग्रियाँ यूज़ करते हैं उसे TLM कहते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें, बहुत सारे सिद्धांत इसमें लागू होते हैं। वैसे अगर ये पूछता है कि सबसे ज़्यादा बच्चा किस चीज़ से सीखेगा, तो एडगर डेल का अगर आपको शंकु याद होगा तो डायरेक्ट एक्सपीरियंस अभी मैंने बताया उससे सीखेगा। और सबसे कम इफेक्टिव क्या होता है, मौखिक वर्बल। तो बहुत सारे इससे रिलेटेड प्रश्न आने की संभावना रहती है, और अगर हम जानते रहते तो हम सेटिस्फाई रहते कि अगर इस क्षेत्र से आएगा तो हम उस प्रश्न को कर लेंगे। तो अगर आप गणित शिक्षण देखिए, विज्ञान शिक्षण देखिए, भाषा शिक्षण देखिए, सब में इसका बहुत ही बड़ा योगदान होता है। और अब तो ये प्रशिक्षण के दौरान सिखाया जाता है कि इनका निर्माण कैसे किया जाए, कैसे चूज़ करेंगे। जैसे
आपको पर्टिकुलर सिचुएशन के अनुरूप TLM भी चूज़ करना होता है कि कैसा TLM चूज़ करें। जैसे आप एनवायरनमेंट देखते हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट के अलग अगर बात छोड़ दिया जाए तो आप अपने इनकम देखेंगे कि हाँ आप उसको अफोर्ड कर सकते कि नहीं, और बच्चों को उसका एक्सपीरियंस दिला सकते कि नहीं। फिर एक टीचर को भी इसमें अभ्यस्त होना चाहिए कि कैसे TLM यूज़ करते हैं, मॉडल रखा तो है उसको चलाना कैसे है, या चलित कैसे रहेगा, या प्रोजेक्टर रखा है तो उसको कैसे यूज़ करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें आपकी होती हैं जिसमें एक शिक्षक का दायित्व होता है कि अच्छा शिक्षण करने के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग पॉइंट को इंक्लूड किया जाए। जो भी पॉइंट्स इसमें आपको नहीं समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उस पर फिर से वीडियोज़ बना दूँगी।